अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। जी कितना खूबसूरत मौसम था और बच्चों को छुट्टियां हुई हुई थी और यहाँ पे हम लोग लेके जा रहे हैं बच्चों को जू और सीन है जी कुछ इस तरह का। बहुत ही खूबसूरत मौसम था और सोचा कि बच्चों को जो है ना वो ज़ू लेके चले और बच्चे जो है वो बहुत ही खुश थे। और यहाँ पे हम लोग लग गए लाइन पे और टिकट जो है हम लोगों ने बाय कर लिया था। जी ये बहुत बहुत बड़ा ज़ू है एम्स्टर्डम का और बच्चों को छुट्टियां हुई हुई थी तो जी बच्चे सामने जाने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग चले चलते हैं, चिड़िया देखते हैं, परिंदे देखते हैं, क्या क्या जानवर है। लेकिन मैं उनको जाने से पहले यहाँ पे प्लान में लेके आई हूँ, प्लान एंथ्रियम में, क्योंकि मुझे पता है जब हम लोग सारा कुछ घूम घुमा के आएँगे वापसी पर तो ये सारा कुछ बंद हो जाएगा और तकरीबन 25 मिनट की जो है ना यहाँ पे अंदर हम लोग को लेके जाते हैं और सब कुछ प्लान के बारे में बताते हैं, खला के बारे में और क्या क्या हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे देखें जी टाइमिंग जो है ना वो लिखी हुई थी तो बच्चे बोलते हैं माम, मेरी बेटी यहाँ पे अपने बाबा के साथ आई हुई है लेकिन सुभान जो है जो मेरा बेटा है वो पहली दफ़ा यहाँ पे आ रहा है। और बच्चे बोल रहे थे कि मामा यहाँ पे क्या है, मैंने कहा वो है यहाँ पे जो अपने बाबा के साथ नहीं था देखा और मैंने भी नहीं था देखा, मैं बहुत पहले आई हुई थी। लेकिन जब हम लोग सारा ज़ू देख के जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो सब कुछ यहाँ पे बंद हो जाता है तो जी 4:30 बजे लास्ट टाइम होता है यहाँ पे अंदर जाने का और उसके बाद जो यहाँ पे क्लोजिंग कर देते हैं। तो मैं उस बहुत मायूस हुई थी कि मैं यहाँ पे देख नहीं सकी कि यहाँ पे अंदर क्या है। और जब यहाँ पे आई हूँ तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों को यहीं पे लेके आई क्योंकि मेरे बच्चों का साथ खुद भी देखना था कि अंदर यहाँ पे होता क्या है। बहुत ही खूबसूरत सीन थे, हमें खुला में लेके जाते हैं और कौन कौन से सितारे हैं, कैसे कैसे पत्थर होते हैं, बहुत ही अच्छा लगा था। जब भी मैं वीडियो जो है वो ऑन करती थी रिकॉर्ड करने के लिए लेकिन उसकी लाइट पड़ती थी और ये जो मैडम है ये बोल देती थी कि प्लीज़ अपने अपने फ़ोन जो है ना वो बंद कर दें। और जो कोई यूरोप में रहता है या नीदरलैंड में रहता है तो आप प्लीज़ जब भी एम्स्टर्डम के ज़ू में आर्टिस में आएँ तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लोर करें, यहाँ पे देखें और उसके बाद फिर जो है ना वो आगे जाएं क्योंकि यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग ख़ुद खला में खलाई कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों ने तो बहुत ही इंजॉय किया था और बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगा था। और पिछली वाली सीटों में बैठिएगा क्योंकि आप ऊपर की तरफ बहुत आसानी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से देख सकेंगे सब कुछ। और यहाँ पे जो है ना ये खला का पत्थर था, बहुत वज़नी था और इसकी स्मेल ऐसी थी जैसे बारूद होता है। और जी मैंने कभी भी ज़िंदगी में खलाई पत्थर को कभी ना छुआ ना महसूस किया और यहाँ पे ये काफ़ी वज़नी पत्थर था और इसकी स्मेल बिल्कुल जैसे बारूद या बम फटा होता है तो उस तरह की थोड़ी बहुत ही जब आती है इस तरह की स्मेल थी। और खला में ऐसी पत्थर की ऐसी स्मेल होगी, इतना वज़नी ये पत्थर था और बच्चे जो है उसको महसूस कर रहे थे, देख रहे थे। और ये देखें नीचे जा रहा था, गिरने को था और इस इतने से पत्थर की इतना जो वज़न है जब हम लोग खला में जाते हैं तो हर चीज़ जो है ना वो हल्की हो जाती है। और ऐसे ही इस छोटे पत्थर का वज़न इतना था, तकरीबन जो है वो 3 किलो उसका वज़न होगा और सोच भी नहीं सकते कि जो खला में इतने वज़नी वज़नी पत्थर हैं अल्लाह ताला ने कैसे ही अपनी कुदरत के साथ उनको आसमान के ऊपर ठहराया हुआ है। अल्लाह ताला वादाउल्लाशरी के हर चीज़ पे कादर है, ये हमें ईमान रखना चाहिए और हम सब ईमान रखते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान लेके आते हैं। तो चले चलते हैं जी आगे। मौसम भी बहुत ही खूबसूरत था, कभी बादल आ जाते थे और कभी सूरज जो है वो दिख जाता था लेकिन मौसम बहुत ही खूबसूरत था।
ठंडा ठंडा भी था और गरम गरम भी था। और जहाँ पे ये देखें जितने भी जानवर नज़र आ रहे होंगे ये 100% असली हैं। और अंदर आके जहाँ पे इतनी गर्मी इन्होंने रखी हुई थी, इतना टेम्परेचर नॉर्मल गर्म बल्कि रखा हुआ था, क्योंकि ये जो है गर्म ममालिक के रहने वाले जो हैं जानवर थे, चाहे सांप हो चाहे ये इस तरह की छिपकलियाँ हों, क्योंकि ये हमारे मुल्कों में पाई जाती हैं। तो क्या ख्याल है आपका, आप भी कॉमेंट्स करके मुझे बताइएगा। इतना लंबा जो है वो अस्ता था यहाँ पर, और असली सांप भी थे, ऐसी छिपकलियाँ भी थी, छोटी थी कुछ बड़ी थी। तो ये हमारे ममालिक में पाई जाती हैं और इसी वजह से यहाँ पे इनका टेम्परेचर भी गर्म रखा था। तो यहाँ पे ये है जी कछुआ साहब, इनको खाना देने के लिए ये आई हुई थी। और ये है जी मगरमच्छ, यहाँ पे इसको क्रोकोडेल बोलते हैं। और ये अच्छा खासा काफ़ी लंबा सारा जो है वो सामने है। और जी मगरमच्छ साहब जो है ना वो आराम फरमा रहे हैं, कलूला फरमा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखें जी पौधे लगे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं फ़ज़ा में। और आप अगर कमरे में या घरों में हम लोग लगाते हैं तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और यहाँ पर ये देखें जी ये मगरमच्छ का अगले वाला मुंह है। और ये देखें जी यहाँ पे सांप, सांप देख के मुझे ऐसा अजीब सा महसूस हो रहा था। और नज़दीक में असली वाला सांप मैंने पहली दफ़ा इतना देखा, पहली दफ़ा तो नहीं देखा, एक दफ़ा मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ लेकिन काफ़ी अरसा पहले आई थी। तो यहाँ पे ये देखें जी बिल्कुल पाकिस्तानी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, जो हम लोग रेगिस्तान में और अपने जंगलों में और कभी कभार गर्मियों में ये चीज़ें निकलते हुए दिखते हैं। तो क्या ख्याल है आपका, आपने भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बच्चे जहाँ पे आके बहुत ही खुश थे। तो चलें आप भी मेरे साथ देखें यहाँ का ज़ू। तो जी इसके बाद बच्चों को भूख लगी थी और खाने पीने की चीज़ें हर कोई यहाँ पे अपने साथ रखता है। और मैंने भी एक सैंडविच बना के लिया है। और सीन है जी कुछ इस तरह का, बहुत ही खूबसूरत मौसम था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चे बहुत ही खुश थे, बोल रहे कि मामा हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। और यहाँ पे ये देखिए जी अपने मुल्कों के जानवर भी हमें नज़र आए थे। और जी यहाँ पे हाथी भी थे और सारी फैमिली मिलके ये फुटबॉल खेल रहे थे। रोचा खासा इन्होंने शोर मचाया हुआ था। और जी यहाँ पे रेड कलर की, सुर्ख कलर की बैल भी थी जिसके बड़े बड़े सिंग थे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और जहाँ पे बच्चों को खानी थी चॉकलेट वो मैंने दी। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चील बैठी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी क्योंकि इन्होंने लंच किया हुआ था। इसको आई थिंक चील ही बोलते हैं। और ये मुर्दार जानवर और बड़ा बड़ा गोश्त खाती हैं। और यहाँ पे है जी जिराफ साहब, मैं आई थिंक सही बोल रही हूँ, आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। उनको चील ही बोला जाता है। और यहाँ पे ये हैं जी जिराफ साहब और साथ ही हैं जी हिरन। और बहुत ही खूबसूरत मौसम था। तो अब हम लोग जो है वो ढूंढ रहे हैं तितलियों के शहर। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कहाँ पे हैं तितलियाँ। और जब मैंने तितलियाँ देखी थी तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो चलें आप भी देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग में वो आएंगी नज़र आपको तितलियाँ। और वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था आके। तो जी इंशाल्लाह ताला जल्दी ही मैं आ रही हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सा रखिए ख्याल। फिर मिलूँगी नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ नेक्स्ट तितलियों के शहर में। तो मेरी तरफ से खुदा पमान, टाटा बाय बाय।